कि पहले हम लोग बहुत दिनों से जुड़े भी हैं, काम भी कर रहे हैं, तो हमेशा भाई की तरह प्यार मिला है उनसे और आगे भी मिलता रहेगा, तो ये उनका बड़प्पन है बोलना। लक्ष्मण जी, एक सवाल ये है कि जहाँ पे कुछ कंपनी मालिक ऐसा कहते हैं कि अरे भोजपुरी है, भोजपुरी में ये सब थोड़ी चलेगा, भोजपुरी में सिर्फ ढोड़ी लहंगा साया यही सब चलेगा, तो उन लोगों को कुछ जवाब बोलना चाहूंगा कि भोजपुरी में ये नहीं चलेगा। कोई पेटीएम और फोन पे यूज करता था क्या? कोई अमेजोन यूज करता था क्या? तो आज कर रही है ना, घर की औरतें मंगा रही है ना, तो आप लेकर तो दीजिए, आप अच्छा लेके तो आइए, देखिए पब्लिक उसको भी पसंद करेगी। ऐसा वो बोलना गलत बात है कि भोजपुरी देखिए, अरे हम खुद ही भोजपुरी को गिराते जा रहे हैं बोल बोल के। सही बात है। प्रमोद भैया, एक सवाल है आपसे। हाल ही में दिनेश लाल यादव निरहुआ जी एक फिल्म के सेट से उन्होंने एक बयान दिया है कि फिल्म इंडस्ट्री अलग है भोजपुरी का और एल्बम इंडस्ट्री अलग है। एल्बम में ढोरी चोली चलता है लेकिन फिल्म में नहीं चलता है। क्या दिनेश लाल यादव जी का ये बंटवारा आपको क्या लगता है? देखिए, आखिर फिल्म होगा चाहे गाना हो भोजपुरी में, फिल्मों में तो भोजपुरी गाना नहीं लगाता है। तो दिनेश लाल यादव जी निरहुआ भी क्या बोलते हैं कि एल्बम इंडस्ट्री से ही फिल्म में गए? सब जो भी भोजपुरी जिस चीज में बात, जो भी लोग गायक भाई लोग बात, सब लोग एल्बम से उठ के हीरो बनल बा और बहुत सारे भाई लोग भी बने वाला। क्या लगता है कि भोजपुरी में जब दिनेश लाल यादव जी सांसद बने तो भोजपुरी में राजनीति होने लगा? अरे ना भाई, चलो आप जरूर फोकस करो, याद को याद बनाइए, वो राजनीतिक मत बनाइए। सबसे बड़ी धोखेबाज इधर बाजू में बैठी है प्रमोद भैया की, और इनकी याद में इन्होंने क्या क्या कर डाला है वो तो अभी 4 बजे देखने को मिल जाएगा। और याद के प्रमोशन में बहुत अच्छे मेरे मित्र राइटर लोग जुटे हैं, शुभम तिवारी जी, सोनू सुधाकर जी, मनीष रोहतासी जी, राजीव जी, सोनू भाई, सब लोग सबके दिल से धन्यवाद। और पूरे जो भी या जो भी कमेटी हॉल में जुटल बा सबके बहुत बहुत धन्यवाद।